हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज फाइंड द फिगर शो रिलेशन बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। क्वेश्चन वन है हमारे पास, राइट दिस रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म, फाइंड द डोमेन ऑफ रिलेशन एंड फाइंड रेंज ऑफ रिलेशन एंड आल्सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट पी। इफ आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 इज द रिलेशन ऑफ जेड, देन फाइंड द डोमेन ऑफ आर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट में बात करें यहाँ पर तो क्या दिया हुआ है। देखिए हमें यहाँ पे इसमें हमें हम इसमें यूज़ करेंगे, अगर कोई रिलेशन हमारे पास इस तरह से डिफाइन है, ठीक है, यहाँ पर ये पी हो गया, ये क्यू, इसमें ले लिया एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और ये y1 y2 y3, ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट वाला सेट है इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। और r अगर p से q में डिफाइन है, r कैसे डिफाइन है यहाँ पर, p से q में, तो फिर ये जो है ये क्या बनेगा, कोडोमेन, ठीक है। सॉल्व करते क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर वन है, इसने क्या बोला है, व्हाट इज द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन को अगर डिफाइन करें तो जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है हमारे पास वो क्या होता है, इसमें हम एलिमेंट को क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। हर एलिमेंट को लिखते हैं, जैसे नाइन तो ले लें यहाँ पर, तो नाइन का किसके साथ रिलेट हो रहा है, यहाँ पर नाइन रिलेट हो रहा है थ्री के साथ और नाइन रिलेट हो रहा है माइनस थ्री के साथ, ठीक है, क्लियर है। ये आ जाएगा हमारे पास। फिर आते हैं यहाँ पर फोर की बात करें तो फोर रिलेट हो रहा है टू के साथ एंड फोर रिलेट हो रहा है माइनस टू के साथ, ठीक है। फिर आते हैं 25, तो 25 जो है वो रिलेट हो रहा है फाइव के साथ और 25 रिलेट हो रहा है माइनस फाइव के साथ, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन बन रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब आते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन की बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर टू। अब इस रिलेशन का जो डोमेन होगा, डोमेन में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, देखो यहाँ पर डोमेन में ये जो आगे वाले एलिमेंट है वो डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से नाइन आ रहा है, फोर आ रहा है और 25 आ रहा है, ये डोमेन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये बोल रहा है फाइंड द रेंज ऑफ रिलेशन, तो जो रेंज है रिलेशन की वो कैसे आएगी, है ना, ये क्वेश्चन नंबर थ्री है। तो रिलेशन की रेंज ये पीछे वाले एलिमेंट्स है, ये तो रेंज में क्या क्या आएगा, देखो यहाँ पर थ्री आ रहा है, माइनस थ्री आ रहा है तो प्लस माइनस थ्री ये आ गया, टू आ रहा है और माइनस टू आ रहा है तो प्लस माइनस टू ये आ जाएगा, और फाइव आ रहा है माइनस फाइव आ रहा है तो प्लस माइनस फाइव, ठीक है। तो ये रेंज हो गई। और इसके अलावा ये बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट पी, है ना, P टू Q होगा ये, है ना, सेट P से सेट Q में जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे। तो यहाँ पर देखो देखो सिंपली हम क्या देख सकते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट P है वो हमारे पास कितना है, थ्री है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट Q है वो हमारे पास कितना है, यहाँ पर इसमें काउंट कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पी टू क्यू अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा डिफाइन होगा टू रेस टू थ्री इंटू सेवन, तो इतना आएगा टू रेस टू 20, क्लियर है। अब आते हैं फर्दर, इसमें जो नेक्स्ट दिया हुआ है हमें एक रिलेशन यहाँ पे, इसका सेकंड पार्ट में R इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x कोमा वाई और x कोमा वाई जो है वो बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर को यहाँ पे, और क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लेस क्या है, लेस देन इक्वल टू 16, ठीक है। अब इसमें हमें फाइंड करना है डोमेन ऑफ R, तो पहले यहाँ R को हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पर R को अगर हम देखें
तो क्या लिखेंगे, ऑर्डर पेयर। देखो यहाँ पे क्या क्या बनेगा, वन की बात करें क्योंकि जेड है ना, हालांकि जेड में है तो यहाँ पर हम ज़ीरो भी ले सकते हैं है ना, और माइनस वन भी ले सकते हैं ना, ये भी आएगा। तो यहाँ से सबसे पहले देखो हम क्या लेंगे, माइनस थ्री लेते हैं, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, तो माइनस थ्री कॉमा ये बन जाएगा माइनस थ्री कॉमा माइनस टू, ठीक। और माइनस थ्री का वन के साथ, माइनस वन के साथ भी आएगा, माइनस थ्री कॉमा ज़ीरो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो माइनस थ्री कॉमा ज़ीरो ये आ जाएगा। फिर आएगा माइनस थ्री कॉमा वन, माइनस थ्री कॉमा टू, माइनस थ्री कॉमा थ्री नहीं आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लेंगे माइनस टू के साथ, तो माइनस टू कॉमा क्या बन जाएगा, माइनस थ्री, माइनस टू कॉमा माइनस टू है ना, माइनस टू कॉमा माइनस वन, माइनस टू कॉमा ज़ीरो, माइनस टू कॉमा वन, टू माइनस टू कॉमा टू एंड माइनस टू कॉमा थ्री। फिर माइनस टू कॉमा फोर हम नहीं लेंगे क्योंकि फिर वो ग्रेटर देन सिक्सटीन आ जाएगा है ना। ऐसे ही हम बात करेंगे यहाँ पर माइनस वन के साथ, सो माइनस वन कॉमा ज़ीरो, माइनस वन कॉमा यहाँ पर आ जाएगा माइनस थ्री ये ले सकते हैं, माइनस वन कॉमा माइनस टू, माइनस वन कॉमा माइनस वन, माइनस वन कॉमा ज़ीरो, माइनस वन कॉमा वन, माइनस वन कॉमा टू, माइनस वन कॉमा थ्री। फिर फोर आएगा तो ग्रेटर देन सिक्सटीन हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही हम यहाँ पर इसके साथ लेंगे, ज़ीरो के साथ वन आ जाएगा, ज़ीरो के साथ टू, ज़ीरो के साथ यहाँ पे वही हम लेंगे ज़ीरो कॉमा माइनस वन, ज़ीरो कॉमा माइनस टू, ज़ीरो कॉमा माइनस थ्री, ज़ीरो कॉमा माइनस फोर। फिर आ जाएगा सॉरी माइनस फोर नहीं आएगा, ज़ीरो कॉमा फिर आ जाएगा वन, ज़ीरो कॉमा आ जाएगा टू, ज़ीरो कॉमा आ जाएगा थ्री, और ज़ीरो कॉमा ज़ीरो भी आ जाएगा एक, वो भी क्या होगा लेस देन सिक्सटीन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अब ऐसे ही जो है वन के साथ भी बनेगा, और ऐसे ही जो है हमारे पास थ्री के साथ भी बनेगा, ठीक है ना। तो लास्ट जो एलिमेंट बनेगा वो थ्री कॉमा थ्री होगा। तो यहाँ पर हमें डोमेन की बात करनी थी, तो जो डोमेन है, तो जो डोमेन है वो हमारा देखो क्या बनेगा, यहाँ पे डोमेन की अगर हम बात करें इस रिजल्ट में, तो यहाँ से आएगा प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस वन, ज़ीरो है ना, और ज़ीरो। तो ये डोमेन हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।